हेलो गाइस, जादूगर क्लास में आपका स्वागत है। तो आज से हम क्लास टेंथ की फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आइए देखते हैं, क्लास टेंथ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 है आपका प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ये चैप्टर का नाम है। तो पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप ये समझोगे प्रकाश क्या है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है प्रकाश। तो सबसे पहले समझोगे प्रकाश क्या होता है, हैंडल लोगे प्रकाश, और कॉपी पेंसिल साथ लेके बैठे हैं जिससे साथ ही साथ अपने नोट्स बनाते जाएं। ओके स्टूडेंट, प्रकाश, प्रकाश क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लाइट। क्या बोलते हैं इसे? लाइट। लाइट माने होता है प्रकाश। तो प्रकाश वह कारक होता है, प्रकाश वह वजह होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, हम प्रकाश कहते हैं। जैसे यदि अंधेरे कमरे में अगर कोई वस्तुएं रखी हुई हैं, अगर वहां कोई प्रकाश नहीं है तो क्या हमें वस्तुएं दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो किसके कारण वस्तुएँ दिखाई देती हैं उसी को हम प्रकाश कहते हैं। क्या वजह है कि उन वस्तुओं को देखने की, क्या वजह होती है कि हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं? तो एक ही वजह होती है, प्रकाश। यदि वहाँ प्रकाश है, यदि वस्तुओं के पास प्रकाश है तो हमें वस्तुएं दिखाई देंगी, अगर वस्तुओं के पास प्रकाश नहीं है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश वह कारक होता है जिससे की सहायता से हमें वस्तुएँ दिखाई देती हैं। जैसे यदि यहाँ अंधेरा है और अंधेरे में ये कोई वस्तु रखी है, यहाँ प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश नहीं है, और यहाँ पर आप खड़े हो, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जैसे, जिसके पास प्रकाश है, यहाँ प्रकाश है और यहाँ प्रकाश नहीं है, यहाँ प्रकाश नहीं है, क्या आप इस वस्तु को देख सकते हो? यहाँ से नहीं देख पाओगे, क्योंकि वस्तु के पास प्रकाश नहीं है। जब तक वस्तु के पास प्रकाश नहीं होगा तब तक हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। यदि यहाँ व्यक्ति है और यहाँ क्या है? वस्तु है। यदि वस्तु के पास प्रकाश है और व्यक्ति के पास प्रकाश नहीं है, ध्यान देना अच्छी तरीके से, यदि इस वस्तु के पास प्रकाश है और ये व्यक्ति है उसके पास प्रकाश नहीं है, क्या व्यक्ति वस्तु को देख सकता है? देख सकता है। क्यों देख सकता है? क्योंकि इस वस्तु के पास प्रकाश है। जिस वस्तु को हम देखते हैं यदि उस वस्तु के पास प्रकाश होता है तो हमें वह वस्तु दिखाई देती है, व्यक्ति के पास प्रकाश हो या ना हो। उसके बाद में तीसरा पॉइंट यह है, ये व्यक्ति है और यहाँ क्या है? आपकी वस्तु है। न तो वस्तु के पास प्रकाश हो और न व्यक्ति के पास प्रकाश हो, न तो वस्तु के पास प्रकाश हो और नहीं व्यक्ति के पास प्रकाश हो, क्या व्यक्ति इस वस्तु को देख सकता है? नहीं देख सकता है, क्योंकि इस वस्तु के पास प्रकाश नहीं है। व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है, व्यक्ति के पास प्रकाश हो या न हो, केवल आप जिस वस्तु को देखते हो उस वस्तु के पास प्रकाश होना चाहिए, तभी वस्तुएं हम देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये व्यक्ति है और यहाँ क्या है? आपकी वस्तु है। यहाँ क्या है? वस्तु है। यदि प्रकाश वस्तु के पास भी हो और व्यक्ति के पास भी हो तो ये व्यक्ति क्या इस वस्तु को देख सकता है? देख सकता है, क्योंकि इस वस्तु के पास प्रकाश है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश वह कारक होता है हमें जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब जिससे वस्तुएं दिखाई देती हैं, जब वस्तु के पास प्रकाश होता है तब वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो उस प्रकाश को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को हम प्रकाश बोलते हैं जिससे हमें ये वस्तुएं दिखाई देती हैं। उसी चीज को, उसी कारक को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश कहते हैं। तो इससे परिभाषा ये हो जाएगी, प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, उसे हम प्रकाश कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग है, तो परिभाषा आप लिख लेना कि प्रकाश वह कारक होता है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश, प्रकाश में, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो हिस्से में बांटा गया है। कितने हिस्से में बांटा गया है? दो हिस्से में। देखते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को दो हिस्से में बांटा गया है, एक होता है प्रदीप्त वस्तुएं,
प्रदीप्त वस्तुएं, दूसरी है अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तुएं, तो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? जिससे प्रकाश निकलता है, जिससे प्रकाश निकलता है उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं, यानी जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उन्हें हम अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उसके बाद में आना होगा प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? प्रकाश के स्रोत वे सभी वस्तुएं, परिभाषा इसकी कि वे सभी वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। जैसे जलती हुई मोमबत्ती, ये मोमबत्ती है इस तरीका से जल रही है, तो ये क्या है हमारा? मोमबत्ती क्या है? प्रकाश का स्रोत है। प्रकाश का क्या है? स्रोत है। इस जलती हुई मोमबत्ती को हम बोलेंगे प्रकाश का ये स्रोत है। ऐसे ही सूर्य, सूर्य से क्या निकलता है? प्रकाश उत्सर्जित होता है, प्रकाश निकलता है, यह क्या है? प्रकाश का स्रोत है। टॉर्च, जिस ये टॉर्च है आपकी, तो टॉर्च से भी क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जब हम जलाते हैं टॉर्च को तो ये प्रकाश का क्या है? स्रोत है। तो प्रकाश के स्रोत क्या है? वे सभी वस्तुएं, वे सभी वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश निकलता है उससे हम प्रकाश के स्रोत कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। तो जो प्रकाश होता है, फर्स्ट गुण है, जो प्रकाश होता है वह विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के रूप में चलता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है वह निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश के लिए दूसरा पॉइंट क्या है? प्रकाश के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जो प्रकाश होता है वह निर्वात में भी चल सकता है। पूछ लिया जाता है कभी कभार, तीसरे पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वह 3×10^8 मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा पॉइंट, जो प्रकाश होता है वह एक सरल रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलता है। बहुत से कहते हैं बच्चे कि प्रकाश मतलब तरंगों के रूप में चलता है, तो ये 12th में है, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, ये हम आप 12th में बताएंगे। सही है, इसमें 10th में केवल यही है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है, सरल रेखा में गमन करता है। पांचवा पॉइंट है, जो प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं। प्रकाश की किरणें जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो प्रकाश की चाल बदल जाती है। पारदर्शी का मतलब होता है आरपार निकल जाना, प्रकाश की किरणों का आरपार निकल जाना। अगर हमें आरपार दिखाई देता है तो उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं, और आरपार नहीं दिखाई देता है उन्हें हम अपारदर्शी कहते हैं। कि जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती हैं तो उस जो प्रकाश की जो किरण की जो चाल होती है वो क्या होती है? बदल जाती है। छठवां पॉइंट क्या है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से यानी चिकनी सतह से जाती है, टकराती है, तो प्रकाश का परावर्तन होता है। चिकनी सतह से जो प्रकाश की जो किरण होती है, प्रकाश की किरण का क्या होता है? परावर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन अभी आगे पढ़ाएंगे हम आपको, ठीक है? तो ये आप नेक्स्ट डालोगे प्रकाश की किरण, क्या डालोगे? प्रकाश की किरण क्या होती है? प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश जिस सरल रेखा में चलता है यानी जिस रेखा पर गमन करता है उसे हम प्रकाश की किरण कहते हैं। तो प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश जिस सरल रेखा में गमन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है किरण पुंज, प्रकाश किरण पुंज। साथ के साथ ये नोट करते जाना, प्रकाश किरण पुंज।
पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब होता है समूह, यानी किरणों के समूह को ही, किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च से जब प्रकाश निकलता है तो वो समूह के रूप में जाता है, उसी को हम बोलते हैं किरण पुंज। क्या बोलते हैं? किरण पुंज या प्रकाश किरण पुंज। किरण पुंज का मतलब ही होता है कि किरणों के समूह को जब प्रकाश जाता है वो समूह के रूप में जाता है, किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। या प्रवास लिख दोगे प्रकाश किरणों के समूह को ही प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जो किरण पुंज होता है वो निम्न तीन भागों में बांटा जाता है, तीन प्रकार का होता है किरण पुंज है वो तीन प्रकार का होता है। पहला है अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। पहला क्या है? अभिसारी, अभिसारी किरण पुंज। दूसरा होता है अपसारी, अपसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज, किरण पुंज। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, किरण पुंज पूछ लिया जाता है। तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज होता है, क्या होता है? जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर इस तरीका से पड़ती हैं, एक बिंदु पर गिरती हैं या एक बिंदु पर ही मिलती हैं, उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, सभी यानी जब किस, जब प्रकाश की सभी किरणें, जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, तब उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अपसारी क्या होता है? जब प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, किसी एक बिंदु से निकलती हैं, तब उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कौन सा किरण पुंज कहते हैं? अपसारी। अपसारी का मतलब होता है एक बिंदु से निकल जाना। प्रकाश की सभी किरणें, प्रकाश की सभी किरणें किसी एक बिंदु से निकलती हैं, तब उसे हम अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश किरण पुंज क्या होता है? प्रकाश की किरणें प्रत्येक किरण, यानी जब प्रकाश की प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो, प्रकाश की प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो तथा वो एक दूसरे को कभी न काटें, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को कभी न काटें, तब उस किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर हो, एक दूसरे कैसी हो? समांतर हो, एक यहाँ फिर उसके बाद ऊपर नीचे, इस तरीका से एक दूसरे के समांतर हो और वो एक दूसरे को कभी न काटें, तब इस किरण पुंज को ही समांतर किरण पुंज या समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो ये आपका किरण पुंज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जो ये चैप्टर का नाम था प्रकाश परावर्तन था परावर्तन, तो ये आप पढ़ाएंगे हम, इसमें परावर्तन क्या होता है, तो हैंड डालोगे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो पहले समझोगे आप परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है। जैसे गेंद है, यदि हम गेंद को किसी दीवार से, दीवार पर फेंकें, उसके बाद में वो टकरा के कहाँ आती है? पीछे की हो जाती है। तो उसका क्या होता है? परावर्तन। टकरा के जो वापस आ जाती है उसी को बोलते हैं हम परावर्तन। लेकिन वो जो जब गेंद को हम दीवार पर मारते हैं, दीवार से गेंद जब वापस आती है, तो वो हो गया आपका गेंद का परावर्तन। किसका हो गया? गेंद का परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने तल से टकरा कर किसी चिकने तल पर गिरता है, उसके बाद में क्या होता है? उसका वापस लौटता है। जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं, तब उस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे गेंद को हमने दीवार पर मारा, तो गेंद दीवार से टकरा कर वापस आ गई, तो वो हो गया आपका गेंद का परावर्तन। ऐसे ही प्रकाश, प्रकाश किसी चिकने तल से गिरता है तो वहाँ टकरा कर वापस उसी माध्यम में आता है, जिस माध्यम से प्रकाश गया था उसी माध्यम में वापस आ जाता है, तब उसे हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो ये इसमें ये भी पूछ लिया जाता है कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो हम ये बताएंगे परावर्तन के नियम कितने होते हैं। लेकिन इससे समझने से पहले
नियमों को समझने से पहले आपको कुछ चार पांच पॉइंट समझने होंगे। ये है आपका जैसे कांच की पट्टी है कोई, यदि हम इस तरीका से एक भाग पर हम पॉलिश कर देते हैं तो ये बन जाता है दर्पण। क्या बन जाता है? दर्पण। आगे पढ़ाएंगे दर्पण। तो ये परावर्तक पृष्ठ है, इस तरीका से चिकना जो तल है वो आपका परावर्तक पृष्ठ है। तो इस परावर्तक पृष्ठ पर जब इस तरीका से ये प्रकाश की किरण गिरती है, प्रकाश की किरण गिरती है, और जो गिरने वाली किरण होती है उसे हम बोलते हैं आपतित किरण, यानी आने वाली किरण। आने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण। यहाँ साथ के साथ लिखते जाओगे आपतित किरण। आने वाली को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जब आपतित यानी परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जब फिर यहाँ से इसका परावर्तन होगा, इस यानी टकराएगी तो इसका क्या होगा? इस तरीका से परावर्तन होगा, उसी माध्यम में निकल जाएगी जिस माध्यम से ऊपर से आ रही है, तो ऊपर से ही निकल जाएगी। माध्यम आपके दो प्रकार के होते हैं, सघन माध्यम और विरल माध्यम, आप आगे पढ़ाएंगे। तो जिस माध्यम से किरण आई थी उसी माध्यम में वापस चली गई, इसी घटना को क्या बोलते हैं हम? प्रकाश का परावर्तन। तो जो ये आने वाली किरण है उसे बोलेंगे आपतित किरण, और ये जाने वाली किरण है उसे बोलेंगे हम परावर्तित किरण। कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण। फिर समझ लो एक बार, जब परावर्तक तल पर, परावर्तक तल पर गिरने वाली किरण को, परावर्तक तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक तल से टकरा के जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल पर, परावर्तक तल से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तक किरण कहते हैं। तो ये आपकी परिभाषा हो गई प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब परावर्तन के जो नियम होते हैं, परावर्तन के नियम उसके बाद में कराएंगे परावर्तन के नियम। तो परावर्तन के जो नियम होते हैं वो दो नियम होते हैं, लेकिन दो नियमों को हम कराने से पहले अब हम आपको पॉइंट बताएंगे। जैसे ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ऐसे ही एक ये होता है आपतन बिंदु। कौन सा बिंदु होता है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? बिंदु तो बहुत हैं इस तरीका से इस पर, लेकिन इसी पॉइंट को ही हम आपतन बिंदु क्यों कहते हैं? समझ लो, यानी आप परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आप किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं। और आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को, इस तरीका से आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। तो ये आपको एक दो तीन चार पॉइंट याद हो गए होंगे। समझ लो फिर, आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और परावर्तक तल से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तक तल के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है, जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अविलंब कहते हैं। तो यहां लिख लोगे आपतित किरण क्या होती है? परावर्तक तल पर गिरने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, आपतन बिंदु क्या होता है? परावर्तक तल के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। तीसरा पॉइंट, अभिलंब क्या होता है? आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। चौथा पॉइंट, परावर्तित किरण क्या है? परावर्तक तल के
परावर्तन के पश्चात यानी परावर्तक तल के परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। पांचवा पॉइंट है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदस्त करते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे आई से प्रदस्त करते हैं। तो ये है डालोगे आपतन कोण आपतन कोण को कहते हैं आई से। परिभाषा क्या लिखोगे? अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। पांचवा पॉइंट है परावर्तन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण, कौन सी किरण है ये? परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रश्न करते हैं। ये है आपका परावर्तन कोण। परिभाषा क्या है? अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आर से प्रश्न करते हैं। तो ये आपके पॉइंट हो गए। अब उसके बाद हम कराएंगे आपके ये परावर्तन के नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है? परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। फिर समझ लो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं या एक ही तल पर होते हैं। यह है परावर्तन का पहला नियम। आपतित किरण, इंपोर्टेंट नियम है ये, आपतित किरण कोम परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा पॉइंट है परावर्तन के, दूसरा नियम है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये क्या है? आपतन कोण, ये क्या है? परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां लिखोगे दूसरा नियम, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण तीनों एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का दूसरा नियम है। यहाँ लिख सकते हो कोण I बराबर कोण R। तो ये नियम दोनों इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अच्छी तरीके से एक बार और रिवाइज करा दें, बताओ तो ठीक है। देखो ये आपका क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। तो परावर्तक पृष्ठ पर गिरने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से निकलने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तक किरण। और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर किरण ये आपतित होती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से खींचे गए लंब को अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब। उसके बाद में अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। नियम क्या थे इसके? दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं या एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। यहाँ ये लिखोगे आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये अच्छी तरीके से तैयार करना।